Good evening. You're watching the news at 6 with me, Sean Russell. First up, a very happy Independence Day from the entire team at Rajya Sabha TV. Let's now have a look at the headlines that we're tracking today. India celebrates 70th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi addresses the nation from the ramparts of the historic Red Fort on the occasion. In the 90-minute speech, Prime Minister Modi highlights achievements of his government over the last 2 years, gives the slogan Ek Bharat, Shresth Bharat for the country. With the world watching, Prime Minister Modi launches a no-holds-barred attack, says people thanking him for exposing Pakistan's gross human rights violations in Balochistan, Gilgit and Pakistan-occupied Kashmir. At least 4 militants and a CRPF officer killed in Kashmir, 6 security personnel injured in an attempt to take control of the police station. And at the Rio Olympics, Jamaica's Usain Bolt wins the 100 metres final to remain the fastest man on the planet. Bolt wins the race in 9.81 seconds to win his third Olympic gold medal in the event. Our top story this evening, as the country celebrated its 70th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi upheld tradition and gave a speech from the ramparts of the Red Fort. From new schemes introduced by his government in the last 2 years to slamming Pakistan for its policy on terrorism, the Prime Minister's speech covered it all. Here are a few excerpts from the speech this morning. सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा और तब जाकर के भारत सुराज के सपने को पाने में और अधिक देर नहीं करेगा। शासन संवेदनशील होना चाहिए, भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। ये बात सही है कि पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है कि 4% 2±, के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कदम उठाए। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बैलेंस की जो चर्चाएं होती थी उसे ऊपर उठ करके भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें, लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल देश में अकाल रहा, सब्जियों के दाम पर अकाल का प्रभाव तुरंत होता है, मार्केट की कमी का प्रभाव होता है, उसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई। 2 साल के अकाल के कारण दाल के उत्पादन की गिरावट भी चिंता का विषय बना, लेकिन भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी अगर उसी रफ्तार से बड़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता।
जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करता रहूंगा और गरीब की थाली को महंगी नहीं होने दूं। भाइयों बहनों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के इस लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एनालिस करके अभी कहा है, पहले से भारत 19 रैंक ऊपर चला आया है और भारत बहुत तेजी से ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में जिस प्रकार से हम एक वैश्विक संदर्भ में भी एक गतिशील और प्रिडिक्टेबल अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अभी अभी जो जीएसटी का कानून पास हुआ वो भी उसमें एक ताकत देने वाला काम हुआ है और वो सभी दल उसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है, जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की विपरीत से सशक्तिकरण, अगर ये दो काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। हम सबको सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना होगा। हमने सबने अपने व्यवहार से सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना होगा। हर नागरिक को उठना पड़ेगा और तभी जाकर के हम सशक्त हिंदुस्तान बना सकते हैं। सशक्त हिंदुस्तान सशक्त समाज के बिना नहीं बन सकता है। सिर्फ आर्थिक प्रगति सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है, सशक्त समाज सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है। और सशक्त समाज बनता है सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर। सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर ही सशक्त समाज निर्माण होता है। और इसलिए हमारा सबका दायित्व है कि सामाजिक न्याय पर हम बल दें। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई हो, ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, 125 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है और उसी दिशा में हमें आप काम करना है। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया, घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी, निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था, निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान संसद की आंखों में आंसू थे, भारत की हर स्कूल रो रही थी, भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा, यही है हमारी मानवता,
लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं, ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। भाइयों बहनों, महंगाई में कुछ चीजों की चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए तो उसकी पूरी अर्थरचना समाप्त हो जाती है, बेटी की शादी तक रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर अटक जाती हैं, कभी शाम को खाना भी नहीं मिलता है, आरोग्य सेवाएं महंगी होती जा रही है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे इन परिवारों के आरोग्य के लिए सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हम ये योजना लेकर के आए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी गरीब परिवार को आरोग्य की सेवाओं का लाभ लेना है तो वर्ष में 1,00,000 रुपये तक का खर्च भारत सरकार उठाएगी, ताकि मेरे गरीब भाइयों को इन आरोग्य की सेवाओं से कारण वंचित रहना न पड़े, उनके सारे सपने चूर चूर न हो जाएं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के इस पावन पर्व में एक नया संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आओ हम चल पड़े। हमारे लिए जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया उनसे प्रेरणा पा करके, आजादी के लिए जीने वाले के लिए प्रेरणा पा करके, देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिल रहा है लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिल रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Opposition parties expressed displeasure at Prime Minister Modi's speech from the ramparts of the Red Fort. The Congress said the contents of the speech reflected that the Prime Minister has not yet come out of election mode. Others were critical of the Prime Minister for not raising important issues such as the Kashmir conflict and rising attacks on Dalits and minorities in the country. The reference of Balochistan, however, won the Prime Minister many accolades from exiled Baloch leaders. We always look forward to the Prime Minister's speech, and it's like the State of the Union address. It should inform the people of this country as to what's happened in the last 1 year and what are the issues that confront the nation, and what are the issues that need to be addressed. And those issues relate to Kashmir and what's been happening recently in Kashmir. They relate to the sudden Dalit upsurge and the kind of vigilantism, cow vigilantism, which is the result, which resulted in this upsurge. Issues relating to prices, issues relating to the problems of farmer suicides. These are very, very serious issues, issues relating to the judiciary. These are the issues that the Prime Minister should have applied his mind to and addressed the nation on. But these were absent in the Prime Minister's address. He didn't say even a word about the ongoings in Kashmir. Now this is 37th day. The curfews in Kashmir, but he didn't utter a word about the boys and the people killed there and the thousands of people injured and the prolonged curfew. He didn't talk about the plight of the Kashmir. So he didn't talk about the Kashmir, which is our part, which is an integral part of India. He was talking about something which is occupied by somebody else. The Prime Minister is a good orator. But I thought his speech this year was particularly disappointing. I think that the bulk of his speech could actually have been read out by an official of the PIB department or given through a press release. It was a laundry list of so-called achievements based on half-truths, which have in reality not really percolated down to benefit the ordinary Indian. Deeply pained and deeply disappointed, because today was a
and is a day of great national importance, where the whole nation must come together. And the Prime Minister must speak as the Prime Minister of the nation, not of a party, not of a thought, not of a particular group of people. I'm really pained and saddened by hearing him make what seemed like a speech that you make during an election, where ordinary people fight ordinary battles. आंकड़ों से काम नहीं चलता. असलियत ये है कि दाल की कीमत 2014 में क्या थी, दाल की कीमत आज क्या है. तमाम सब्जियों की कीमत 2014 में क्या थी, आज क्या है. चावल की कीमत 2014 में क्या थी, आज क्या है. तो ये जो सामान्य व्यक्ति का खाना है, प्याज की कीमत क्या थी, आज क्या है, तय कर लीजिए, उससे पता लग जाएगा आपको. महंगाई रोकने में बिल्कुल ये सरकार नाकामयाब रही. मिस्टर मोदी आर थैंकिंग द बलूच पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ देयर इंडिपेंडेंस डे. I think Baloch and Indian people need each other for the peace and stability in the region. And we welcome the statement, and we hope that the government of India, under his leadership, would take pragmatic steps to reduce and to eliminate slavery and rotten system imposed and inflicted by the government of Pakistan on the people of this region. Time for us to take a short break. Last month, on the other side, do stay tuned. The sacred relics of Buddha were unearthed in Pipravava in Uttar Pradesh. Buddhist monks from all over the world visit the National Museum to pay their respects. These charred bone fragments of Buddha are housed in the gold canopy gifted by the royal family of Thailand. Welcome back. You're watching the news at 6. Now, Jammu and Kashmir's Chief Minister Mehbooba Mufti today made an emotional appeal to the agitating youth in the valley to not be misled by vested interests. In a maiden Independence Day speech as Chief Minister, she cautioned that Kashmir shouldn't be allowed to become another Syria or Afghanistan, adding that dialogue is the only way to bring about peace in the valley. She asserted that guns will not resolve any issue, but education will transform the future of the Kashmiri youth. Her statement comes amid continued turbulence that has rocked the Kashmir Valley for the last 38 days. Banduk chahe militants ki ho ya hamari ho, banduk se koi masla hal nahi hoga. Jaise Mufti sahab kehte the, grenade se na goli se baat banegi boli se. Iske bagair koi hal. Aur humne 2002 se leke 2005 tak wo karke dikhaya. An attempt by two militants to take control of a police station was foiled in Kashmir today. The commanding officer of the 4th Battalion of the CRPF was killed, while 6 security personnel were injured in the attack. Both militants were killed in the encounter. Two more militants are believed to be on the run, and the police have launched a manhunt. Separately, the army also foiled an attempt to infiltrate by two militants from Pakistan into India. Both were killed in the Uri sector. On the 14th of August, Pakistani flags were hoisted across Kashmir to commemorate Pakistan's Independence Day. Militants and separatists gave speeches supporting freedom in Pakistan and asked people to follow instructions given by the Hurriyat. The commemorations happened despite the strict curfew being imposed across the state. Now, 5 low-intensity bombs hit Tinsukia district of Assam on Independence Day. State police suspect the involvement of Ulfa independent militants in the attack. The blast took place in various parts of the district, including one at Shiv Sagar area. According to the state police, the militants have placed bombs under the ground. However, no casualties have been reported. Security and patrolling has been intensified across the state. वो क्या है अभी तदन करना पड़ेगा ये, लेकिन सारे isolated जगह खेत पथार वगैरह में कहीं रास्ते के किनारे ड्रेन में ऐसी जगहों में हुए हैं जहां किसी
किसी की कोई किसी तरह की कोई क्षति किसी की नहीं हुई है, लेकिन अभी कैसे हुआ है क्या हुआ है उसके तदंत करने के लिए हमारी टीम वहाँ है, सीनियर अफसर भी वहीं हैं, हमारे स्पेशल डीजी वहीं कैंप कर रहे हैं, तो ये तदंत करके देखा जाएगा। लेकिन इसमें किसी तरह की कोई Time for some sports now, and with India coming agonizingly close to winning a medal on day 9 through gymnast Deepa Karmakar, they will now look to end the drought on day 10 as they lay contention in athletics, badminton, boxing and wrestling. In badminton, PV Sindhu and K. Srikanth will take the country's hope for a medal ahead in their respective categories. In the round of 16, Sindhu will take on Tai Zhu Ying from Chinese Taipei, while Srikanth will face Denmark's Jan O. Jorgensen. In track and field, India will present its contention in various events with Lalita Babbar, the first Indian athlete in 32 years to enter the finals of an individual event of the games in the track category, will be in action in the 3,000 meters steeplechase. Asian champions Seema Punia will also be in action in the qualification of the women's discus throw event, while in the men's triple jump, Renjith Maheshwari will be seen in the qualifications round. The lone Indian boxer in the Olympics, Vikas Krishan, will try to ensure a medal to the country as he plays his quarterfinal bout against Uzbekistan's Bektemir in the 75-kilogram weight category. If Vikas enters semi-finals, a minimum bronze would be ensured for India. In the Greco-Roman category of wrestling, Ravindra Khatri will play his pre-quarterfinal match in the 85-kilogram weight class. On day 9 of the Games, Usain Bolt became the first athlete to win three Olympic 100-meter titles by beating American Justin Gatlin to gold. Meanwhile, South Africa's Wyatt Gay-Nikerik shattered a 17-year-old 400-meter record. Jamaica's Usain Bolt remained the fastest man on the planet after winning the 100-meters final, becoming the first man to win three Olympic gold medals in a row in the event. Bolt ran 9.81 seconds in his final Olympics to replicate his success at Beijing 2008 and London 2012. Gatlin finished 0.08 seconds behind Bolt to take silver, while Canada's Andre Vigras took bronze. I came out here to prove to the world that I'm the greatest, and that's what I did. And I'm proud of myself and the execution that I came out and did. I'm happy. Meanwhile, South Africa's Wade van Niekerk ran the fastest single lap in history to win the Olympic 400 meters gold medal. Niekerk finished the race in 43.03 seconds to beat Michael Johnson's 17-year-old record by 0.15 seconds. Kirani James of Grenada took the silver, while LaShawn Merritt of the United States claimed the bronze. In tennis, Britain's Andy Murray defended his Olympic title by defeating Argentinian Juan Martin Del Potro in the final. Murray secured a thrilling 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 victory to become the first man to win back-to-back tennis gold. Japan's Kei Nishikori took the bronze after defeating Spain's Rafael Nadal. And yeah, just managed to get through it at the end. But yeah, to win another gold medal, you know, for my country means a lot to me, and yeah, very, very proud. China's Shi Tingmao won the gold in the women's 3-meter springboard event, with teammate He Zi taking silver and Italy's Tania Cagnotto bronze. Tingmao tied with He in the first two dives before pushing ahead in her third dive to achieve 84 points and eventually scored a total of 406.05. In the overall medal tally, the United States continued its dominance on day 9 as well. They've now won 69 medals that include 26 gold, 21 silver and 22 bronze. Britain jumped to the second spot with 38 medals, while China slipped to the third spot with 45 medals that include 15 gold, 13 silver and 17 bronze. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Time for some international news now on Global Buzz. Two officers and a civilian were killed when a car bomb exploded outside a police station near Turkey's southeastern city of Diyarbakir.
on Monday. The explosion left a crater on the ground. Besides blowing away nearby buildings, Kurdish militants are suspected to have carried out the attack. At least two people were injured when a magnetic bomb attached to a vehicle exploded near the US Embassy in Kabul. According to the Kabul Police Criminal Investigation Department, the bomb was attached to a private car belonging to an Afghan army officer. There was no immediate claim of responsibility for the attack. Two terminals at New York's John F. Kennedy International Airport resumed normal operations after reports of shots fired prompted evacuations and grounded multiple flights overnight. Multiple emergencies were rushed to the airport and major highways were closed down for a few hours. Well, that's it from us. Goodbye.